Well, good morning to each and everyone who is present in this class. This is online English class for class 12th, which is organized by Shastri Bal Vidya Mandir Senior Secondary School, Lalgarh. And we have started rainbow book in our syllabus. And we have completed two chapters in this book. Now we are going to start chapter 3rd, which is third thoughts. हिंदी में इसे कहेंगे पुनर्विचार, मतलब दिमाग में बार बार विचार आना, फिर विचार का पुनर्विचार आना कि ऐसा नहीं मैं ऐसा कर लू, ऐसा नहीं मैं ऐसा कर लू. सो दैट इज कॉल्ड पुनर्विचार. ओके, थर्ड थॉट्स. एक्चुअली इट वॉज रिटन बाय ईवी लुकास. ओके, एंड ही वॉज बॉर्न एट एल्देम इन 1868 एंड स्टडीड एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंडन. He was a journalist and an essayist. Essayist means journalist or essayist, दो word है यहाँ पर. Journalist means पत्रकार और essayist means लेखक, लेख लिखने वाला. So E.V. Lucas was born at Eltham in 1868 and studied at University College London. He was a journalist and an essayist who also wrote novels, travelogues and children's book. He is better known as an essayist than as journalist. Okay. The essay Third Thoughts has been taken from a collection called The Phantom Journal and Other Essays and Diversions. उनका जो एक collection था जिसका नाम था The Phantom Journal and Other Essays and Diversions, उसमें से ये लिया गया है Third Thought. Okay. And it was brought in the year 1919. 1919 में ये इनका आया था. The title Third Thoughts is a humorous coinage inspired by the idiom second thoughts, which means an opinion or resolution reached after reconsideration. ये जो title है Third Thought, ये आया है second thought में से. एक idiom होता है मुहावरा, द्वितीय विचार, सेकंड थॉट, उसमें से ये निकला है. और जिसका अर्थ होता है कि पुनः विचार करना, बार बार विचार करना. द नैरेटिव इज अ सटायर ऑन ह्यूमन वीकनेस फॉर मनी एंड एक्सपोजेस हाउ वेयर मनी इज इन्वॉल्व्ड मेंस नोबल सेंटीमेंट्स एंड मोरली एडमायरेबल आइडियल्स सून फेड अवे. ये जो पूरा का पूरा लेख है, ये मानव की धन के प्रति, पैसे के प्रति दुर्बलता को बताता है कि किस तरह से मानव पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है. वो विचार तो कुछ करता है करने के लिए, लेकिन पैसा उसे प्रिय है और पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है. तो ये धन के प्रति मानव की दुर्बलता के बारे में ये बताता है, ये तो लेख है. ठीक है. Man is basically selfish and materialistic, and for the sake of money he can consider, reconsider and even change his noble and ideal thoughts in his everyday social behavior. आदमी पैसे के प्रति लालची होता है और वो पैसे के लिए अपनी आइडियोलॉजी भी बदल देता है, अपनी विचारधारा बदल देता है, और पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है, और उसका व्यवहार समाज के प्रति कैसा भी हो सकता है. The essay also gives us a deep insight into the psychology and philosophy of the world of trade and commerce, where impulse is negation of magnetism, and buying and selling are a perfectly straightforward matter between dealer and customer. ये जो लेख है,
ये बिजनेस के बारे में भी जानकारी देता है कि किस तरह से जो है विक्रेता और क्रेता के संबंध होते हैं, किस तरह से प्रॉफिट कमाया जाता है और किस तरह से एक सफल व्यापारी बना जाता है, बड़ा व्यापारी बना जाता है, उसके लिए किस तरह से माल जो है कम में क्रय करना चाहिए और ज्यादा में विक्रय करना चाहिए, तो ये बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में भी जानकारी देता है। The dealer asks as much as he thinks he can extort and the customer having paid it is used under no obligation whatever to the dealer। जो सामान बेचने वाला है वो कैसे भी करके सामान बेचेगा, ठीक है, उसे कोई मतलब नहीं लेने वाला कैसा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वो कैसे भी करके सामान बेचेगा। वहां फीलिंग्स नहीं होती बिजनेस के अंदर कि बस 2 रुपए की चीज 4 रुपए में बेचनी है, देयर इज नो फीलिंग। द नैरेटिव इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ फैंसी ह्यूमर एंड सैटायर। जो ये नैरेटिव है, जो ये लेखनी है, ये काफी हास्यास्पद है, ठीक है, और क्रिटिक है, थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि वृत्तांत जो है ये कल्पना, हास्य और व्यंग्य का उपयुक्त मिश्रण है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर एंड द ऑथर, ओके, द एसेस्ट मिस्टर ईवी लुकास, ओके, एंड व्हाट इज द नेम, ईवी लुकास, I'll write it again. E. V. Lucas. Okay. And he was studying in London. So in this chapter, actually, this E. V. Lucas, the essayist, what did he purchased a famous painting of Turner. Okay. बहुत बड़ा चित्रकार था वहाँ Turner. उसका उसकी पेंटिंग इसको किसी वृद्धि वाले के यहाँ पे सस्ती मिल गई, 10 शिलिंग के अंदर मिल गई, 10 शिलिंग, ओके, एंड और उसने बेच दी इसको 50 पाउंड के अंदर, ठीक है, जो इसको काफी प्रॉफिट हो गया। तो फिर इसने सोचा कि मैंने काफी सस्ती खरीदी है, आप इसको ऐसे समझो 10 पैसे में खरीदी और 50 रुपए में बेची तो बहुत प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से तो उसे लगा कि भाई मुझे ये प्रॉफिट जो है शेयर करना चाहिए उस रद्दी वाले के साथ, उससे मैंने धोखे से खरीद ली है, इतने फेमस पेंटर की जो पेंटिंग है 10 शिलिंग में ले ली, तो फिर ये सोचता है कि मैं आधा प्रॉफिट उसको दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से वो सोचता, फिर अगले दिन सोचता है कि मैं चौथा प्रॉफिट दूंगा, फिर अगले दिन सोचता है कि चलो मैं इसको 1 पाउंड ही दूंगा, फिर सोचता है वो भी क्यों दूं। ऐसे करते करते ये मनी के प्रति, यही तो बताया गया है कि धन के प्रति आदमी की जो है लालसा बहुत ज्यादा है, तो अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि नहीं दूंगा, ठीक है। तभी तो थर्ड थॉट रखा है चैप्टर का नाम, कि ये विचार पर पुनर्विचार करता रहता है, कि पहले सोचा आधा प्रॉफिट दूंगा, फिर कहता है चौथा दूंगा, फिर कहता है 1 पाउंड दूंगा, फिर कहता है नहीं दूंगा, तो 4 तरह के विचार आ गए इसके पास। Reconsideration, after reconsideration, the second thoughts, okay, he decided again and again the new things. So that's why the name of this chapter is third thoughts, Punarvichar. और पुनर्विचार भी ऐसा किया कि धन के प्रति लालच गया है। और फिर इसके साथ में भी कुछ होता है, ठीक है ना, वो सस्पेंस रखते हैं चैप्टर के लास्ट में बताते हैं, इसका धन भी इसके पास रहता है कि नहीं रहता, ठीक है, that will be a suspense for you people, okay. थोड़ा सा ये मैं बता देता हूं जानकारी इसके अंदर कि जो पौंड है, जो 1 पौंड है, 1 पौंड स्टर्लिंग, यहां जिक्र आएगा उसका, ठीक है, स्टर्लिंग जो ये यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम में चलता है पौंड, 1 पौंड स्टर्लिंग बोलते हैं इसको, इंग्लैंड को जिसको बोलते हैं आप, ब्रिटेन,
वहां एक पौंड है ये अभी लगभग अपने यहाँ तो शायद 90 रुपए के बराबर है इंडिया का तो, और सिलिंग केनिया सिलिंग जो है वो लगभग 131.17 सिलिंग है, केनिया सिलिंग। ठीक है, केनिया सिलिंग। और अब देखो इसने जैसे अगर 50 में भी बेचा है, ठीक है, इसने इस पेंटिंग को 50 पाउंड में बेच दिया आगे, इसने खरीदा तो कितने 10 सिलिंग में खरीदा, 10 सिलिंग ये है, और 50 पाउंड में बेच दिया, तो 50 × 131 करूंगा तो इसका लाभ कितना हो गया देखो आप, यानी इसको 65-60 केनिया सीलिंग, अगर केनिया सीलिंग भी मैं मानता हूं तो इतना हो गया, यानी खरीदा 10 के अंदर और बेचा 6560 के अंदर, यानी 6550 केनिया सीलिंग का इसको फायदा हो गया एक तरह से। 50 पाउंड में बेचा, इसका इनडायरेक्ट अर्थ क्या हुआ कि उसको 6560 केनिया सीलिंग का फायदा हो गया, यानी बहुत फायदा। आप ऐसे समझो कि 10 पैसे में खरीदा, 1 रुपए का 10वां हिस्सा होता है 10 पैसा, और 50 रुपए में बेच दिया, तो वो वाली बात हो गई। उस तरह से ये कुछ बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया। तो पहले इसने सोचा कि मैं अपना प्रॉफिट 50% शेयर करूंगा उस सेलर को, उस गरीब आदमी को दे के आऊंगा, फिर 25%, फिर धीरे धीरे कम करता करता और फिर कैंसिल कर देता है। तो उसके जो दिमाग के विचार है ये बता रहे हैं कि बार बार ये सोचता रहता है, थॉट प्रोसेस। ठीक है, तो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज थर्ड थॉट्स। क्लियर, सो दिस इज द थीम। Okay, I hope you all have understood the theme of the chapter. Now we are going to start the chapter without wasting the time. So let's start. सबसे पहले इसमें कुछ एक मीनिंग लिख लें आप नोटबुक। आई होप यू ऑल हैव नोटबुक्स एंड पेन विद यू।
So write down the meanings, important meanings. डेस्टिनी लिखिए, किस्मत, डियरेस्ट यानी महंगे से महंगा, सक्सीड लिखिए, सफल होना, चीपेस्ट, सस्ते से सस्ता, फिर लिखिए डेकोरेटिव, सजावट, डेकोरेटिव आर्टिकल, तो डेकोरेटिव यानी सजावट का और आर्टिकल मैंने सामान, सजावट का सामान। पॉजिटिवली निश्चित रूप से, पॉजिटिवली मैंने निश्चित रूप से। फेवर यानी मेहरबानी, मेहरबानी। उसके बाद स्ट्राइकिंग, प्रभावशाली, स्ट्राइकिंग मैंने प्रभावशाली। इनवायबल, जिससे लोगों को ईर्ष्या हो। इनवायबल का अर्थ लिखो, जिससे लोगों को ईर्ष्या हो। डीलर, बेचने वाला, सामान बेचने वाला। उसके बाद ड्रिफ्टिंग, घूमते हुए। क्यूरियोसिटी शॉप्स, दुर्लभ वस्तुओं की दुकान। कैथेड्रल, चर्च लिखो। पोर्टफोलियो, कागज रखने का चपटा थैला। टर्नर, महान चित्रकार का नाम है, ये अभी बताया था मैंने। मैजिक नेम, जादुई नाम या चमत्कारी नाम। ऑर्डर यानी क्रम। उसके बाद स्कॉर्नफुली, तिरस्कार पूर्वक। जेन्युइन, असली। वर्थ एनीथिंग, किसी भी कीमत पर। उसके बाद लिखिए पॉन्डर्ड, गहराई से विचार। गारंटी, पक्का वादा करना। उसके बाद सीलिंग, सीलिंग मुद्रा, अभी बताई थी मैंने आपको, पैसों के बारे में बताया था, सीलिंग और बॉन्ड में संबंध भी बताया था। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय तरीके से। परचेजर लिखो, खरीदार। पाउंड, वो भी बताया था मैंने आपको, ये भी एक मुद्रा होती है। इकट्ठा करने वाला। बार्गेनिंग, मोल भाव करके तय करना, जो आप सब्जी मंडी में करते हो, मोल भाव करके तय करना। द एस्टोनिशिंग, आश्चर्यजनक, एस्टोनिशिंग मैंने आश्चर्यजनक। उसके बाद अचीव्ड यानी प्राप्त। प्रॉफिट यानी बेनिफिट यानी लाभ, प्रॉफिट यानी लाभ। ड्यूली, ड्यूली का अर्थ हो गया उचित। इलेटेड यानी प्रसन्न। माई थॉट्स रेन, माई थॉट रेन्स का लिखो, मेरे विचार इस प्रकार आए। पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना, भागीदारी। फेयर, फेयर उचित। पोटेंशियल, संभावित। रिकलेक्टेड, याद किया। टर्न्ड आउट, नफे की रकम। ये टर्न्ड आउट का आप लिखो, सिद्ध होगी। रिकलेक्टेड का लिखो दोबारा, याद किया। पोटेंशियल का संभावित। रिकलेक्टेड मैंने याद किया। टर्न्ड आउट का लिखो, सिद्ध हो गई। ऑथेंटिक, असली, कहता है ना ये चीज ऑथेंटिक यानी असली है। उसके बाद एनक्लोजिंग,
यानी संलग्न करना, जैसे डॉक्यूमेंट संलग्न करते ना, नथी करना, प्रोसीड्स बेनिफिट फायदा नफे की रकम, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. दिस स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाय ए फ्रेंड. ओके, ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त द्वारा बताई गई. इट इज माई डेस्टिनी टू बाय इन द डियरेस्ट मार्केट एंड टू सेल इफ आई सक्सेस इन सेलिंग एट ऑल इन द चीपेस्ट. डेस्टिनी मतलब किस्मत, ठीक है. महंगे से महंगा, डियरेस्ट मैंने महंगे से महंगा. ये मेरी किस्मत है कि मैं जब भी कुछ खरीदता हूँ तो महंगे से महंगा खरीदता हूँ, और बेचना हो या बेचने में कामयाब हो जाऊं तो बिल्कुल सस्ते भाव पर बेचता हूँ. ठीक है. यूजुअली इंडीड हैविंग टायर्ड ऑफ ए पिक्चर और डेकोरेटिव आर्टिकल आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनदर ए पर्सनल फेवर टू मी. प्राय ऐसा ही होता है, किसी तस्वीर या कलाकृति से बुरी तरह बोर हो जाने के बाद किसी न किसी को इसे बेचना ही पड़ता है, और खरीदने वाला जैसे मुझ पर मेहरबानी कर रहा हो. बट द अदर डे वॉज मार्क्ड बाय एन एक्सेप्शन टू दिस रूल सो स्ट्राइकिंग दैट आई हैव बीन वंडरिंग इफ परहैप्स द लक हैज नॉट चेंज्ड एंड आई एम आफ्टर ऑल destined to be that most inviolable thing, a successful dealer. लेकिन उस दिन एक ऐसा नहीं हुआ, और मैं सोचता रहा कि कहीं मेरी किस्मत ही तो नहीं बदल गई है, और आखिरकार मैं ऐसा सफल विक्रेता तो नहीं बन पाया हूं जिससे लोग ईर्ष्या करते हों. क्या हुआ उस दिन वो देखते हैं. It happened thus in drifting about the old curiosity shops of a कैथेड्रल सिटी. आई केम अपॉन अ पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो मतलब कागज रखने का कोई चपटा थैला जो होता है, पोर्टफोलियो ऑफ वॉटर कलर ड्रॉइंग्स अमंग विच वॉज वन दैट टू माई आई वुड हैव बीन पॉसिबल. उस दिन हुआ इस प्रकार से कि मैं उस मुख्य चर्च वाले शहर में दुर्लभ वस्तुओं की दुकानों के बीच ऐसे ही घूम रहा था कि मुझे अचानक वाटर कलर चित्रों का एक थैला दिखाई देता है, ठीक है. और वो थैला जो, वो चित्र जो है, उसको किसका लगता है? टर्नर का लगता है, महान चित्रकार जो था टर्नर. इवन इफ एन अर्लियर हैड नॉट शेयर्ड दैट ओपिनियन or hope and set the magic name with all its initials so often placed in the wrong order beneath it. beneath वाला नीचे देखो इसका क्या अर्थ हुआ. वो जो चित्र था, यह चित्र मेरी आंखों को महान कलाकार टर्नर का चित्र मालूम पड़ा, यदि भी इसके बेचने वाले की निगाह में यह टर्नर का चित्र नहीं था. और टर्नर का नाम गलत क्रम में और संक्षेप में इसके नीचे भी लिखा हुआ था, तो इसको तो दिख रहा था कि ये चित्र टर्नर का है. उसको तो मालूम नहीं पड़ रहा था जो बेच रहा था, लेकिन इसको मालूम पड़ रहा था कि ये टर्नर का चित्र है. और तो फिर उसकी लालसा हुई उसको खरीदने की कि मैं खरीदूं इसको. How much is this? I asked scornfully. मैंने तिरस्कार पूर्ण मतलब बिना ध्यान रखते हुए ये पूछा, ठीक है, ये कितने का है. Well said the dealer, if it were a genuine
Turner, it would be worth anything, but let's say 10 shillings. तो विक्रेता ने कहा कि हाँ, विक्रेता ने कहा कि जैसे ये वैसे तो टर्नर ने अगर चित्र बनाया होता तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती, कितनी भी हो सकती थी, लेकिन अभी इसकी कीमत मैंने 10 शिलिंग रखी है। By what incredible means I found a purchaser for the drawing at £50. There is no need to tell, for the point of this narrative resides not in bargaining with collectors, but in bargaining with my own soul. आप इसी कीमत में इसे खरीद सकते हैं, लेकिन नहीं भी खरीदें तो मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि अगले सप्ताह मैं लंदन जा रहा हूँ और इस चित्र को भी ले जाऊंगा ताकि विशेषज्ञों से राय ले लूं कि ये टर्नर ने आकृति बनाई है या नहीं। ठीक है, आई रिपीट इट अगेन, By what incredible means I found a purchaser for a drawing, for the drawing at £50, there is no need to tell, for the point of this narrative resides not in bargaining with collectors, but in bargaining with my own soul. The astonishing fact remains that I achieved a profit of £49. 10 and was duly elated. I then began to think क्या अर्थ हुआ इसका कि भाई वो जो दुकानदार है वो कह रहा है कि आप इसी कीमत में से खरीद सकते हैं और नहीं भी खरीदे तो मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि अगले सप्ताह मैं लंदन जा रहा हूं और इस चित्र को वहां ले जाऊंगा ताकि मैं विशेषज्ञों से राय ले सकूं कि ये टर्नर ने बनाई है या नहीं बनाई है। द डीलर इन दैट लिटिल स्ट्रीट बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर ही आउट द पार्टिसिपेट इन दिस ही बिहेव्ड वेरी वेल टू मी एंड आई आउट टू बिहेव वेल हिम. I would be only fair to my puri class karab ho gayi. इसको शुरू से यहां से रिपीट करते हैं एक बार, यहां से दोबारा पढ़ते हैं इसको। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर अगेन।
हाउ मच इज दिस आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली, मैंने इंटरेस्ट नहीं लेते हुए तिरस्कार पूर्वक पूछा किसके कितने पैसे हुए। वेल सेड द डीलर, इफ इट वर ए जेन्युइन टर्नर इट वुड बी वर्थ एनीथिंग बट लेट्स से 10 शिलिंग। देखो अगर, अब उसने जवाब दिया कि अगर ये टर्नर की होती तो ये कितनी भी हो सकती थी इसकी कीमत, लेकिन फिलहाल 10 शिलिंग है। यू कैन हैव इट फॉर दैट बट आई डोंट माइंड इफ यू डोंट बिकॉज आई एम गोइंग टू लंडन नेक्स्ट वीक एंड शुड टेक इट विद मी टू गेट एन ओपिनियन। अगर आप लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो मैं अगले हफ्ते लंदन जाऊंगा और मैं इसके मोल भाव में वहां एक्सपर्ट से जो है ओपिनियन ले लूंगा, राय ले लूंगा कि ये टर्नर का है कि नहीं है। आई पॉन्डर्ड, मैंने गहराई से विचार किया, माइंड यू टू आई डोंट गारंटी इट, ही एडेड। तो उसने कहा कि ऐसा है कि मैं कोई पक्का वादा नहीं कर सकता। आई गेव हिम द 10 शिलिंग, मैंने 10 शिलिंग उसको दे दिए। बाई वट इनक्रेडिबल मीन्स आई फाउंड अ परचेजर फॉर अ ड्रॉइंग एट 50 पाउंड। उसी वक्त मैंने एक परचेजर ढूंढा और उसको मैंने 50 पाउंड में ये भेज दिया, ठीक है, हाथों हाथ ही भेज दिया। There is no need to tell, for the point of this narrative resides not in bargaining with collectors. ठीक है, यहाँ ये कोई विचार ही नहीं था कि किस तरह से मैं जो है यहाँ पर जो है डीलिंग कर रहा हूँ नफा नुकसान की, बट इन बार्गेनिंग विद माई ओन सोल, लेकिन मैं अपने आत्मा के साथ में बार्गेनिंग जरूर कर रहा हूँ, मोल भाव कर रहा हूँ। The astonishing fact remains that I achieved a profit of 49 pound 10 and was duly elated. लेकिन मुझे फायदा तो हुआ ही है, 49 pound 10 का फायदा हुआ है। I then began to think, फिर मैंने सोचना शुरू किया। The dealer, so my thought ran, और मेरे ये मेरे विचार जो हैं वो आने लगे। इन अ लिटिल स्ट्रीट बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर, मेरे विचार इस प्रकार चलने लगे कि उस चर्च के पश्चिमी दरवाजे की छोटी सी गली है, गली में वह जो इस चित्र को, चित्र का विक्रेता था, उसे भी इस नफे की रकम में से आधा हिस्सा मिल जाना चाहिए, ठीक है। उसने सोचा कि भी उसे भी आधा हिस्सा मिल जाए। ठीक है, Thereupon I sat down and wrote a little note saying that the potential Turner drawing, which no doubt he recollected and had turned out to be authentic, and I had great pleasure in enclosing him half of the proceeds as I considered that the only just. Only just and decent course. इस पर मैं उठ बैठा और मैंने एक छोटा सा पत्र लिखा। मैंने लिखा कि वह संभावित टर्नर का चित्र, जिसकी उसे जरूर याद होगी, वह सचमुच असली टर्नर का ही चित्र साबित हो गया है। मुझे खुशी है कि उस रकम का आधा हिस्सा मैं आपके पास भेज रहा हूँ, क्योंकि यही न्यायोचित और सम्माननीय काम है। डार्क टिकट नहीं थे, ठीक है ना, देखो, हैविंग नो स्टैम्प्स, ओके। सो टुडे वी विल डू दिस मच ओनली, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, आई एम ओपनिंग द डाउट सेशन।